नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके YouTube चैनल एग्री BHUN पे बहुत बहुत आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ एंटमोलॉजी की। तो जूलॉजी का वह ब्रांच जिसके अंदर इंसेक्ट का अध्ययन करते हैं उसे जो है एंटमोलॉजी कहा जाता है। एंटमोलॉजी जो है ग्रीक, इस प्रकार एंटमोलॉजी जो है ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है एंटमोज एंड लॉजी, जिसका मंश होता है इंसेक्ट का अध्ययन करना। फादर ऑफ एंटमोलॉजी की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फादर ऑफ एंटमोलॉजी W. किर्बी हैं। फादर ऑफ एग्रीकल्चर एंटमोलॉजी इन इंडिया की बात करें तो डॉक्टर इम्स हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब बात करते हैं इंसेक्ट जो है कितने आर्डर में डिवाइड है। तो ये जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा में जो है मेनली 5 क्लासेस पाए जाते हैं। पहला है सेंटीपीड्स, दूसरा है मिलीपीड्स, तीसरा है क्रस्टेशियन जिसके अंदर क्रेब हो गया, प्रॉन हो गया, श्रिम्स हो गए, लोबस्टर्स हो गए आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्लास है अरेचिनिड्स। अरेचिनिड्स में क्या है कि इसमें स्पाइडर, माइट्स, टिक्स आदि पाए जाते हैं। क्लास इंसेक्टा की बात करें, क्लास इंसेक्टा और हेक्सापोडा लास्ट आर्डर है। क्लास इंसेक्टा और हेक्सापोडा आर्डर में जो है मुख्यतः बहुत ज़्यादा इंसेक्ट इसी आर्डर में पाए जाते हैं। तो इंसेक्टा आर्डर की बात करें तो इसमें जो है बॉडी जो है इंसेक्ट का 3 पार्ट में डिवाइड होता है। हेड हो गया, थोरेक्स हो गया, एब्डोमेन हो गया, और प्रेजेंस ऑफ सिंगल एंटीना भी इसमें पाया जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। थोरेक्स की बात करें तो इसमें जो है 3 पेयर्स लेग होता है, जनरली 2 पेयर्स विंग पाए जाते हैं। और साथ ही साथ इंसेक्ट का इस आर्डर में 97% टोटल पॉपुलेशन का जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा में ही इंसेक्ट पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू इम्स 1961 में 29 आर्डर को एक्सेप्ट किए थे, बट अभी एक लेटेस्ट अपडेट है जिसमें कि एक आर्डर को और ऐड किया गया है जिसे नोटोप्टेरा कहते हैं। ये दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं इंसेक्ट क्लास की सब क्लासेस की। तो इसके 2 सब क्लासेस होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। पहला है ए पेट्रीगोटा, दूसरा है पेट्रीगोटा। पेट्रीगोटा में दो सब क्लासेस हैं, इक्सो पेट्रीगोटा एंड इंडोपटेरीगोटा। ए पेट्रीगोटा की जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पेट्रीगोटा जो है प्राइमरीली विंगलेस होता है, इसमें मेटामॉर्फोसिस अब्सेंट होते हैं, प्रीजेनिटियल अपेंडिजेस इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये जो है इसमें इस सब क्लास में बहुत से आर्डर पाए जाते हैं, जिसके कुछ एग्जांपल कुछ इस प्रकार हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। पहला है प्रोट्यूरा, प्रोट्यूरा में टेंसोन टेलिस आता है, डिप्ल्यूरा में जेपीगिट्स आता है, कोलम्बेला में स्प्रिंग टेल्स आता है, थैसिन्यूरा में सिल्वर फिश आता है। दोस्तों इसे याद रखिएगा, ये हर बार कम्पिटेटिव एग्जाम में इसके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं कि किस ऑर्डर से कौन सा इंसेक्ट आता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब सेकेंड है पेट्रीगोटा। पेट्रीगोटा की बात करें तो इसमें है, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जैसा कि आप देखे थे ऊपर। इसका पहला है एक्सोप्टेरीगोटा। एक्सोप्टेरीगोटा की बात करें तो जो है ये प्रायरली इसका विंग जो है एक्सटर्नली डेवलप होता है, मेटामॉर्फोसिस इसमें कम्प्लीट होते हैं, प्यूपा इसमें अब्सेंट होता है। निम्फल स्टेज की बात करें तो इसमें निम्फल स्टेज प्रेजेंट होते हैं जो कि मैच्योर होते हैं। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस की बात करें तो इसमें जो है तीन स्टेज पाए जाते हैं, ए हो गया, निम्फ हो गया, एडल्ट हो गया। दोस्तों ये बार बार पूछा जाता है कि पेट्रीगोटा, इक्सो पेट्रीगोटा, एंडो पेट्रीगोटा में क्या बेसिक डिफरेंस है, उसको याद रखिएगा। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस जो है आपके इक्सोप्टेरीगोटा में पाया जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से आर्डर आते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि पहला है इफेमेरोप्टेरा। इफेमेरोप्टेरा के अंतर्गत मे फ्लाई आता है। ओडोनाटा के अंतर्गत ड्रैगन फ्लाई या डेमसिल फ्लाई आता है। प्लीकोप्टेरा के अंतर्गत स्टोन फ्लाई आता है। और ग्राइलोब्लाटोडिया के अंतर्गत रॉक क्राउलर्स आते हैं। आर्थोप्टेरा की बात करें तो इसके अंतर्गत ग्रास हॉपर आता है और लॉक्यूस्ट आता है। फेजमिडा की बात करें तो इसके अंतर्गत
स्टिक्स और लीफ इंसेक्ट्स आते हैं। डर्मेप्टेरा की बात करें तो इसके अंतर्गत ईयर विंग्स आता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और इम्बायोप्टेरा की बात करें तो इसमें जो है वेब स्पिनर्स आते हैं। डाइक्टियोप्टेरा की बात करें तो इसके अंतर्गत काकरोच और मेंटीस आता है। आइसोप्टेरा की बात करें तो इसमें टर्माइट्स आते हैं, वाइट आंट्स आते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार टर्माइट्स किस ऑर्डर में पाया जाता है हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। जोराप्टेरा की बात करें तो जोराप्टेरान्स इसके अंतर्गत आते हैं। और पोस्कोप्टेरा की बात करें तो इसमें जो है बुक लाइस आ जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। मेलोफागा की बात करें तो इसके अंतर्गत बर्ड लाइस आता है। सीफोन कुलाटा की बात करें तो इसमें हेड हो गया, बॉडी लाउस आते हैं। हेमिप्टेरा की बात करें तो इसमें जो है बक्स आते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बक्स वाला हमेशा पूछा जाता है कि किस ऑर्डर से आता है, तो हेमिप्टेरा ऑर्डर से आता है। थाइसनोप्टेरा की बात करें तो इसमें थ्रिप्स आते हैं। नोटोप्टेरा की बात करें तो इसमें ग्लेडिएटर्स आते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है इंडोप्टेरिगोटा। इंडोप्टेरिगोटा की बात करें तो इसमें विंग डेवलप होता है। एक्सोप्टेरिगोटा में विंग जो है एक्सटर्नली डेवलप होता है, इंडोप्टेरिगोटा में जो है विंग इंटरनली डेवलप होता है। अब इसके ऑर्डर की बात करें, इसके अंतर्गत कौन कौन से ऑर्डर आते हैं, तो पहला है नोटोप्टेरा, जिसको कि ये न्यू अभी ऐड किया गया है। पहले इंसेक्ट ऑर्डर 29 ऑर्डर थे, अभी ये लेटेस्ट जो है नोटोप्टेरा को ऐड किया गया है, जिसका एग्जांपल ग्लेडिएटर्स। इंडोप्टेरिगोटा की बात करें, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें विंग जो है डेवलप होता है इंटरनली, और मेटामॉर्फोसिस इसमें कंप्लीट होता है। प्यूपा इसमें प्रेजेंट होता है। इमेच्योर स्टेज इसमें जो है लार्वा पाई जाती है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस भी इसमें पाया जाता है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें एक लार्वा प्यूपा एडल्ट जो है इसमें चार स्टेज में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। अब बात करें इसके अंतर्गत इंक्लूड ऑर्डर की, तो पहला ऑर्डर है हेमनोप्टेरा। हेमनोप्टेरा के अंतर्गत बीज वास्प आंट्स आते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। लेप्टोप्टेरा की बात करें तो इसके अंतर्गत बटरफ्लाइज मॉथ्स आते हैं। कोलियोप्टेरा की बात करें तो इसके अंतर्गत बीटल्स और विविल्स आते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीटल्स और विविल्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। और कोलियोप्टेरा की एक ख़ास बात यह है कि इसमें यह इंसेक्ट आर्डर जो है बहुत ही डैमेजिंग होता है, मोस्ट डैमेजिंग आर्डर सबसे कोलियोप्टेरा ही होता है। डिप्टेरा की बात करें तो इसके अंतर्गत ट्रू फ्लाई आता है। स्टेप्सिप्टेरा की बात करें तो इसके अंतर्गत स्टाइलोपिट्स आता है, और साथ ही साथ न्यूरोप्टेरा की बात करें तो इसमें आंट लायंस और आउल फ्लाइज आता है। मेकोप्टेरा की बात करें तो इसमें स्कॉर्पायन फ्लाइज आ जाता है। ट्राइचोप्टेरा की बात करें तो इसमें कैडिस फ्लाई आता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सिफनोप्टेरा की बात करें तो इसमें जो है फ्लीज आता है। अब एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंट रिलेटेड आर्डर इंसेक्ट आर्डर की बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो मुख्य ऑर्डर हैं वो है एक्सोप्टेरिगोटा। एक्सोप्टेरिगोटा में जो है आर्थोप्टेरा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें ग्रास हॉपर और लोक्यूस्ट आता है। आइसोप्टेरा की बात करें दोस्तों तो इसमें टर्माइट आता है। टर्माइट दोस्तों बार बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। थाइसनोप्टेरा की बात करें तो इसके अंतर्गत थ्रिप्स आता है। थ्रिप्स जो है एडल्ट थ्रिप्स जितने भी आते हैं वो थाइसनोप्टेरा के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट है हेमिप्टेरा। हेमिप्टेरा की बात करें तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, हेट्रोप्टेरा। हेट्रोप्टेरा के अंतर्गत टू बक्स आते हैं, और होमोप्टेरा की बात करें तो इसके अंतर्गत एफिड और लीफ हॉपर आता है। नेक्स्ट है इंडोप्टेरिगोटा। इंडोप्टेरिगोटा की बात करें तो इसके अंतर्गत आता है कोलियोप्टेरा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। कोलियोप्टेरा के अंतर्गत जो आपका बीटल्स विबिल्स आते हैं, ये आर्डर बहुत ही मोस्ट जो है डैमेजिंग कॉज करता है, इसलिए दोस्तों बार बार कोलियोप्टेरा के एग्जांपल्स पूछे जाते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन आते इंसेक्ट हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों इसके अंतर्गत बीटल्स और विबिल्स पाए जाते हैं। लेप्टोप्टेरा की बात करें दोस्तों तो इसमें बटरफ्लाइज और मॉथ्स पाए जाते हैं।
डिप्टेरा की बात करें दोस्तों तो इसमें फ्लाइज पाया जाता है। हेमनोप्टेरा की बात करें दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हेमनोप्टेरा में आपका हनी भी आता है, साफ फ्लाइज आता है, आंट्स आता है, वास्प आता है। दोस्तों बार बार क्वेश्चन में आंट्स को लेकर के, चींटी को लेकर के क्वेश्चन किया जाता है कि आंट्स जो है किस ऑर्डर से बिलोंग करती है। दोस्तों याद रखिएगा, आंट्स जो है हमेशा हेमनोप्टेरा ऑर्डर से मिली होती है, हेमनोप्टेरा ऑर्डर में पाई जाती है, और साथ ही हनी बी को भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं मेटामॉर्फोसिस की। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है दोस्तों? किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक स्टेज से नेक्स्ट स्टेज में जो चेंजिंग होती है उसके लाइफ हिस्ट्री में, उसे ही मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अब बात करते हैं मेटामॉर्फोसिस कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस की बात करें तो पहला मेटामॉर्फोसिस है ए मेटाबोलस, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसको दूसरी भाषा में नो मेटामॉर्फोसिस भी कहा जाता है, नो मेटामॉर्फोसिस। और सेकेंड है हेमी मेटाबोलस। हेमी मेटाबोलस की बात करें तो इसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। होलो मेटाबोलस की बात करें तो इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। अब बात करते हैं लार्वा की, कितने प्रकार के लार्वा पाए जाते हैं दोस्तों। लार्वा जो है, पहला है निम्फ होता है लार्वा, दूसरा है कैटरपिलर, तीसरा है ग्रब, चौथा है नियार्ड्स। निम्फ की बात करें दोस्तों तो निम्फ जो है किस किस लार्वा में निम्फ पाया जाता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, लार्वा बार्थोप्टेरा जो है ग्रास हॉपर्स में, लॉकस्ट में पाया जाता है, हेमिप्टेरा के बक्स में, वाइट फ्लाइज, एफिड एंड जेसिड्स में पाए जाते हैं। दोस्तों ये बार बार इसमें एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं कि एफिड जो है किस किस ऑर्डर में आता है, और उसके लार्वा या उसे ग्रब या किस लार्वा के नाम से भी जाना जाता है। तो यह जो है लार्वा है जिसमें निम्फ की में जो है बग्स हो गए, वाइट फ्लाइज, एफिड एंड जेसिड पाए जाते हैं। कैटरपिलर की बात करें दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो लार्वा आप लेप्टोप्टेरा का जो भी इंसेक्ट है, जैसे बटरफ्लाइज और मॉथ्स हैं, ये कैटरपिलर के अंतर्गत आते हैं। बालवॉर्म और बोरर भी साथ में आते हैं, और एसेप्ट लेजर ग्रेन बोरर जो है इसमें आता है। ग्रब की बात करें दोस्तों, तो लार्वा कोलियोप्टेरा का जो भी लार्वा, जैसे बीटल्स और विविल्स के इंसेक्ट हैं, ये ग्रब के अंतर्गत आते हैं। हेमनोप्टेरा की बात करें तो इसमें वी, वास्प, आंट्स जो है ग्रब के अंतर्गत आता है। अब मैगट की बात करें, मैगट जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैगट जो है लार्वा आप डिप्टेरा में, जैसे ट्रू फ्लाइज आते हैं, तो ये मैगट के अंतर्गत पाए जाते हैं। अब बात करते हैं नियार्ड्स की। नियार्ड्स जो है लार्वा आप ओडोनाटा में, जो ड्रैगन फ्लाई और डैमसेल फ्लाई आता है, इसका एग्जाम्पल पाया जाता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट की। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इंसेक्ट का जो है बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है कि हेड में इसके आई, माउथ पार्ट्स और एंटीना पाए जाते हैं। इंसेक्ट के थोरेक्स में जो है लेग्स और विंग्स पाए जाते हैं। इंसेक्ट के एब्डोमेन में डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब बात करते हैं मेन है एंटीना। दोस्तों एंटीना से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, चाहे आपका यूपीपीसीएस हो, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, या एमएससी या बीएससी, एजी, बीएचयू हो, या एसीआर का एग्ज़ाम हो, जेआरएफ, एसआरएफ, पीएचडी, हमेशा चीज़ें जो है एंटीनी से ही पूछी जाती हैं। एंटीना की बात करें तो इसके थ्री सेगमेंट्स पाए जाते हैं जिससे मिलकर बना होता है। पहला है स्कैप, दूसरा है पेडिसेल, तीसरा है फ्लैगलम। अब बात करें कि जो है इसमें इंसेक्ट का जो है एंटीना क्या होता है, तो इंसेक्ट का एंटीना जो है सेंसरी फंक्शन के लिए यूज होता है। जैसे आपका स्मेल हो गया, टच हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, साउंड प्रोड्यूसिंग के लिए इंसेक्ट जो है अपने सेंसरी आर्गन के रूप में एंटीना को यूज़ करता है। अब देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है टाइप ऑफ एंटीना। टाइप ऑफ एंटीना की बात करें दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अरिस्टेट पहला है। अरिस्टेट के अंतर्गत जो है हाउस फ्लाई,
में जो है पाया जाता है। अरिस्टेट टाइप का एंटीना। सिटेसियस की बात करें तो ये ब्रिस्टल लाइक होता है, जो कि ड्रैगन फ्लाई और डेमसेल फ्लाई में पाया जाता है। और फिलीफॉर्म की बात करें तो ये थ्रेड लाइक होता है, जो कि ग्रास हॉपर में पाया जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि फिलीफॉर्म टाइप का जो है एंटीना किस इंसेक्ट में पाया जाता है। तो ये जो है याद रखना दोस्तों, ये ग्रास हॉपर में पाया जाता है। मॉनली फॉर्म की बात करें दोस्तों तो इसमें जो है बेड लाइक होता है, जो कि टर्माइट्स में पाया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, सीरेट टाइप का जो है ये बिटल्स में पाया जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। पेक्टिनेट टाइप का एंटीना जो है कॉम लाइक होता है, जो कि मॉथ्स में, साफ फ्लाइज में और बिटल्स में पाए जाते हैं। कैपिटेट टाइप की बात करें तो ये हेड लाइक होता है, जो कि बटरफ्लाइज में पाया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एंटीना की। नेक्स्ट एंटीना है जेनिकुलेट टाइप का, जो कि हनी बीज में पाया जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हनी बी वाला हमेशा पूछा जाता है कि जेनिकुलेट टाइप का एंटीना किस इंसेक्ट में पाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हनी बी में जेनिकुलेट टाइप का एंटीना पाया जाता है। अब बात करते हैं लेमलेट की। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, लेमलेट जो है बिटल्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्लूमोज। प्लूमोज जो है प्लम और फीदर लाइक जो है स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जो कि मॉस्किटो में पाए जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे माउथ पार्ट की। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, माउथ पार्ट इंसेक्ट का क्यों इंपॉर्टेंट होता है स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों बिना माउथ पार्ट से हम इंसेक्ट का आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते, क्या इंसेक्ट किस प्रकार का इंसेक्ट है। तो इसके लिए माउथ पार्ट्स को हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं कि माउथ पार्ट से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है। तो उनके फीडिंग हैबिट कैसी है ये पता चलता है, और टाइप्स ऑफ डैमेज किस प्रकार से करते हैं इंसेक्ट, इसका जो है उनके माउथ पार्ट को देख करके, जान करके जो है हमें पता चल जाता है कि ये इंसेक्ट किस प्रकार का नेचर का है और कैसे इसकी डैमेज की प्रोसेस है। तो अब यहाँ बात करेंगे कुछ माउथ पार्ट्स की। तो यहाँ देखिए, पहला माउथ पार्ट्स है बिटिंग एंड चेविंग टाइप। बिटिंग और चेविंग टाइप के अंतर्गत जो है आपका ग्रास हॉपर आता है, क्रिकेट्स आता है, कैटरपिलर एंड बिटल्स आते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि बिटिंग एंड चेविंग टाइप वाला अधिकतर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि ये एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, इसको याद रखिएगा दोस्तों। पायरिंग एंड सकिंग टाइप की बात करें, इसमें मॉस्किटो, स्टिंग बग्स जो में जो है ये पाया जाता है। रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप की बात करें दोस्तों, तो जो ये थ्रिप्स में पाया जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सिफोनिंग टाइप, स्पंजिंग टाइप की बात करें दोस्तों, तो जो ये हाउस फ्लाई में पाया जाता है। और सिफोनिंग टाइप की बात करें दोस्तों, तो ये बटरफ्लाइज और मॉथ्स में पाए जाते हैं। चेविंग एंड लैपिंग टाइप की बात करें दोस्तों, तो ये जो है हनी बी पाया जाता है, और साथ ही साथ बम्पल बी में पाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, कौन सा किस प्रकार का माउथ पार्ट किस इंसेक्ट में पाया जाता है मैंने आपको बताया है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हेड ओरिएंटेशन की। हेड ओरिएंटेशन जो है क्या होता है, तो हेड ओरिएंटेशन में जो है हम इंसेक्ट के हेड जो है किस प्रकार का पाया जाता है उसको जानते हैं। पहला है जिससे देख सकते आप हैं, पहला हेड ओरिएंटेशन जो है प्रोगैंथस है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि फॉरवर्ड होता है, जो कि बिटल्स में पाया जाता है। दोस्तों इसके भी एग्जांपल्स बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। हाइपोगेंथस की बात करें तो ये डाउनवर्ड होता है, जो कि ग्रास हॉपर में पाया जाता है। ओपिस्थोगेंथस की बात करें दोस्तों, तो ये जो है बक्स में पाया जाता है आपके, जो कि विलो होता है। अब नेक्स्ट है थोरेक्स। थोरेक्स की बात करें दोस्तों, तो ये थ्री रीजन में डिवाइड होता है। पहला है प्रोथोरेक्स। प्रोथोरेक्स की बात करें तो इसमें जो है वन पेयर ऑफ लेग्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका मीजोथोरेक्स। मीजोथोरेक्स की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो है बियर्स वन पेयर ऑफ लेग होता है, साथ ही साथ वन पेयर ऑफ विंग पाए जाते हैं। मेटाथोरेक्स की बात करें दोस्तों, तो इसमें वन पेयर ऑफ लेग होता है, साथ ही वन पेयर ऑफ विंग्स पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है लेग। दोस्तों लेग भी इंसेक्ट के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं बॉडी के। बात करें इंसेक्ट के लेग की, तो ये जो है थ्री पेयर्स जो है ट्रू लेग्स पाए जाते हैं इंसेक्ट में।
जिसके 6 बेसिक सेगमेंट हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। पहले सेगमेंट की बात करें तो पहला आता है कोक्सा ट्रोचेंटर, कोक्सा ट्रोचेंटर होता है। दूसरा है फेम्यूर, तीसरा है टीबिया, चौथा है टार्सियस, पांचवा है प्री टार्सियस। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कोक्सा ट्रोचेंटर, फेम्यूर हो गया, टीबिया हो गया, टार्सियस हो गया, प्री टार्सियस हो गया। बात करते हैं टाइप्स ऑफ लेग की। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ लेग जो है, पहला है क्रूसोरियल टाइप का। क्रूसोरियल टाइप जो है रनिंग टाइप के इंसेक्ट में पाया जाता है। सेकेंड है फोसोरियल टाइप का, जो कि डिगिंग टाइप के इंसेक्ट में पाया जाता है। तीसरा है रेप्टोरियल टाइप का, जो कि प्री डासियस टाइप में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका साल्टोरियल, जो कि जंपिंग टाइप के इंसेक्ट में पाया जाता है। और नेक्स्ट है नाटाटोरियल, जो कि स्विमिंग टाइप के इंसेक्ट में पाया जाता है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।